आज का जो बिल है ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी बिल है, और जब ये लेबर के विषय पर जब चर्चा चल रही है, बिल आ रहा है, इतने सालों में उनको न्याय नहीं मिला था, वो न्याय देने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है, तब मुझे बाबा साहब अम्बेडकर जी की याद आती है। बाबा साहब अम्बेडकर जी अपने देश के लेबर मिनिस्टर थे, तब भी मतलब बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 12 घंटे की ड्यूटी 8 घंटे की थी, महिलाओं को भी मतलब छुट्टी देने का निर्णय ले लिया था, उनको और भी सुविधा देने का निर्णय लिया था, और कांग्रेस के कार्यकाल में मजदूरों की तरफ ध्यान नहीं दिया है। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे माननीय संतोष गंगवार जी जो लेबर मिनिस्टर हैं, अच्छे आदमी हैं, सीधे साधे आदमी हैं, और उन्होंने ये बिल जो लाया है, ये बिल जो तीनों बिल है जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020, द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, ये जो तीन बिल है तो ये मजदूरों को न्याय देने वाला एक बिल है। मेरा सुझाव इतना है कि जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है कि जो वर्क रेगुलर वर्क होता है उस रेगुलर वर्क को कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लेना चाहिए, लेकिन बहुत जगह पर कंपनी के मालिक जो है वो मतलब कॉन्ट्रैक्ट रखते हैं, म्यूनसिपालिटी को कॉन्ट्रैक्ट लेबर रखते हैं, और वो रिटायरमेंट तक उनको परमानेंट नहीं किया जाता है, इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम बंद करने का भी एक आधा नया कानून बनाने की आवश्यकता है। जो मजदूर है उनके लिए मतलब हेल्थ की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है, अगर कोई प्राइवेट अस्पताल में जाता है तो वहाँ 50,000 रुपये डिपॉजिट मांगते हैं, सरकारी अस्पताल में भी वो जाते हैं लेकिन सरकारी अस्पताल में उनको इलाज मिलता ही है, लेकिन इस बिल में मतलब मजदूरों को हेल्थ की पूरी सुविधा देने का ये निर्णय ले लिया है, उनको सोशल सिक्योरिटी देने का भी मतलब इसमें प्रावधान है। जो ट्रेड यूनियन है, ट्रेड यूनियन भी मतलब अपने देश में ट्रेड यूनियन है, जॉर्ज फर्नांडिस जी ने रेल की जो ट्रेड यूनियन बनाई थी, जब वो बीमार पड़ गए थे तो उन्होंने मुझे रेल मजदूर यूनियन जो उनकी है उनका मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको बनाया था। तो मतलब रेलवे में काम करने वाले मजदूरों को न्याय मिलना चाहिए, कंपनी में काम करने वाले मजदूरों को न्याय मिलना चाहिए, म्यूनसिपालिटी में काम करने वाले मजदूरों को न्याय मिलना चाहिए, इसीलिए जो बिल आया है, इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ कि जब मजदूरों को न्याय मिलेगा, जब मजदूरों को न्याय मिलेगा तब देश गति से आगे चलेगा। अब कंपनी का मालिक हिलेगा, अब कंपनी का मालिक हिलेगा और मजदूरों को सही न्याय मिलेगा। मजदूरों के लाडले नेता है माननीय नरेंद्र मोदी, मजदूरों के लाडले नेता है माननीय नरेंद्र मोदी, इसलिए उन्होंने छीन ली है कांग्रेस की सत्ता की गद्दी। गांव गांव की बोल रही है मजदूर दादी, गांव गांव की बोल रही मजदूर दादी, प्रधानमंत्री के रूप में बहुत ही अच्छे है नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी जी एक अच्छे इंसान हैं, सब सोचने वाले इंसान हैं, इसीलिए मतलब मैं इतना ही बताना चाहता हूँ, जिनको मजदूरों का बहुत ही मिल रहा है प्यार, उनका नाम है लेबर मिनिस्टर संतोष गंगवार। नरेंद्र मोदी जी ने किया है अपने ऊपर सभी मजदूरों का भार, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लिया है सभी मजदूरों का अपने ऊपर भार, इसलिए मोदी साहब पर सारे देश के मजदूर करते प्यार। इसी तरह मतलब ये जो बिल है, ये बिल मतलब रखने वाले हमारे जो संतोष गंगवार जी है आदमी सोबर, संतोष गंगवार जी है आदमी सोबर, इसलिए उन्हें डिपार्टमेंट मिला है लेबर। लेबर को न्याय देने की गंगवार जी में है हिम्मत, सभी लेबर को न्याय देने की गंगवार जी में है हिम्मत, इसलिए हम सबको इसीलिए हम सब लोग मिलकर उनको देते हैं कीमत। तो इसी तरह हमारे जो लेबर मिनिस्टर है, लेबर मिनिस्टर ने जो तीन बिल लाए हैं बहुत बड़े इम्पोर्टेंट है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर को सभी लेबर को न्याय देने का ये बिल है, और ये इस बिल का मैं समर्थन करता हूँ। और आज मेरा भर गया है मन, आज मेरा भर गया है मन, मैं तीनों बिल का करता हूँ समर्थन। तो इसलिए मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं तीनों बिल का सपोर्ट करता हूँ। जय भीम जय भारत। थैंक यू ऑनरेबल मेंबर, ऑनरेबल मिनिस्टर। इस तरह की खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए। धन्यवाद।